तो हमने ऑर्डर किया था रियलमी पैड 2, जो कि हमारा डिलीवरी आ चुका है, और चूंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी था इसलिए खुला हुआ पहले से ही है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये है हमारा टैब रियलमी पैड 2 डॉल्बी एटम के साथ, 2K स्क्रीन है इसका, और इसका हीलियो G99 जो कि गेमिंग प्रोसेसर है अभी मोबाइल में। इसका प्राइस हम लोग को 13,000 पड़ा है, जो कि अभी फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र में था। तो अभी आइए देखते हैं इसके अंदर टैब को। ये हमारा टैब, ये हमारा ये रियलमी पैड, और इसमें बॉक्स में साथ में आता है क्या क्या देखें, चार्जर है, केबल है, और ये हमारा है 33 वाट का चार्जर। और कुछ देखते हैं और क्या है, और ये है कुछ लिखा पढ़ी जो हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपना टैब ऑन करके। ये है हमारा रियलमी पैड 2, इसका पावर बटन कहाँ है, ये तो लगता है वॉल्यूम बटन है, पावर बटन, अच्छा पावर बटन इसका ऊपर में है। हम लोग इसको ऑन करते हैं, ये हमारा टैब ऑन हो रहा है। ये हमारा टैब ऑन हो चुका है, 8 मेगापिक्सल है इसमें, कैमरा इसका अच्छा खासा है, अच्छा आ रहा है, और फ्रंट का भी देखें तो फ्रंट यहाँ से, और ये फ्रंट का इसका कैमरा ये भी ठीक ही है। अब इसका थोड़ा हम लोग परफॉर्मेंस वगैरह देख लेते हैं कैसा काम कर रहा है, थोड़ा गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो इसका हम लोग सारा सेटअप कर चीज दिए हैं और अकाउंट वगैरह लॉगिन कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग डाउनलोड करते हैं टेम्पल रन, डाउनलोड कर देखते हैं एक बार चेक करके। तो हम लोग 2 गेम डाउनलोड कर लिए हैं, एक है हमारा टेम्पल रन और एक है स्काई फाइटर, इसको थोड़ा यूज करके देख लेते हैं कैसा काम कर रहा है। ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं कि आप लोग क्लियर दिखेगा। इसका स्क्रीन स्मूथ लग रहा है, ऐसा नहीं है कि उंगली फंस रहा है, स्क्रीन इसका स्मूथ है। और स्क्रीन बड़ा है जिससे खेलने में मज़ा आ रहा है। इसका जो सेंसर है वो भी बढ़िया है, नेविगेट अच्छे से कर रहा है, ऐसा नहीं कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग 3D फाइटर को चेक कर लेते हैं, 3D फाइटर देख लेते हैं ये कैसा काम कर रहा है। आवाज़ इसका ओके है, डॉल्बी एटम है, काफ़ी स्मूथनेस है इसके स्क्रीन में। छः 128 इसका है, 6 GB रैम है और 128 GB है इसका प्रोसेसर। तो ये भी गेम हमारा ठीक से काम कर रहा है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हम आपको दिखा देते हैं।
जिसमें क्या है इसका, क्या क्या इसके अंदर है, कितना जीबी रैम है और कितना स्टोरेज है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 128 GB इसका स्टोरेज है और 8360 mAh बैटरी है इसका, 6 GB रैम है प्लस 4 GB इसका वर्चुअल रैम है, यानी टोटल 10 GB रैम है एक तरह से देख सकते हैं। अगर 6 GB रैम भर जाता है तो 4 GB और एक्स्ट्रा काम करेगा वो। आगे का कैमरा है 5 MP और पीछे का है 8 MP। एंड्रॉयड वर्जन इसका है 13 जो कि अभी लेटेस्ट है। और ओवरऑल इसका प्रोसेसर जो है हीलियो G99 ऑक्टा कोर है जो कि अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए, मोबाइल टाइप गेमिंग के लिए। और एक अच्छा बेहतर टैब है अगर आप लेना चाहते हैं प्राइस रेंज में। अगर इसको कंपेयर किया जाए रेडमी पैड से तो रेडमी पैड से बेटर है, क्योंकि उसमें स्क्रीन भी इससे स्मॉल है, बैटरी भी कम है, चार्जर भी स्लो है। लेकिन इसका क्या है, स्क्रीन भी 11.5 है, प्रोसेसर सेम टू सेम है, बैटरी उससे ज़्यादा है, और इसका क्या है कि रैम भी इसमें ज़्यादा मिल रहा है सेम प्राइस रेंज में। और आप लोग देख सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।